अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय वीडियो। आज की वीडियो है मिडिल क्लास रूम टूर के बारे में। ये मेरा रूम है, बहुत ही सिंपल सा रूम है, कुछ भी ऐसा कोई लग्जरी फैंसी नहीं है। राइट साइड पे मैंने किचन दिखाया है रूम के, और लेफ्ट साइड पे जो एक और रूम है, एंड फ्रॉम हेयर यू कैन सी अ वेरी मिडिल क्लास टाइप ऑफ लाइक लॉक टूटा हुआ है। एंड इट्स बिन अ वाइल्ड की मैंने इसे बनवाया भी नहीं है, बट वेरी सोन इंशाल्लाह विल डू दैट। बाहर से ही रूम का मैं एक ओवरव्यू आपको दिखा रही हूँ कि पूरा रूम छोटा सा है बिल्कुल, और इस तरह से जैसे आप इंटर करेंगे तो दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग टू लुक लाइक। अंदर चलते हैं, बिल्कुल रूम के लेफ्ट साइड पे हैं दो बड़े कबर्ड्स, इनमें हम सारे सिबलिंग्स के जो हैं कपड़े वगैरह हैं, नॉट ऑल, कुछ कबर्ड्स हमारे सेकंड फ्लोर पे भी हैं, लेकिन यहाँ पे हम ज़्यादातर सिस्टर्स के होते हैं कपड़े, ठीक है, और बाकी कुछ सामान भी होता है। ऊपर जो सामान है वो मैं दिखा रही हूँ, ये ओवन है, इसका जो है ना मिरर ग्लास टूट चुका है, सो ये कुछ महीनों से फिर ऐसे ही पड़ा हुआ है। एंड इसी के ऊपर जो है सैंडविच मेकर है, और वो भी किसी के हाथ से गिरी थी, तो दैट ऑल्सो गॉट ब्रोक। और वुडन जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, एक तख्ता है जिसमें कुरान शरीफ रख के हम लोग पढ़ते हैं, उसी के साथ एक डिनर सेट है, ठीक है, और ये कुछ बैग्स हैं ट्रैवल वगैरह के लिए हैं, बड़े बैग्स हैं, और बाकी पर कुछ पुराना सामान वगैरह पड़ा हुआ है। और ये रेड कलर की जो है ना, ये इलेक्ट्रिक स्टोव है, वो बिल्कुल ठीक है, सही हालत में है और पैक है। तो इसी तरह इससे काफ़ी ज़्यादा पुरानी चीज़ों से रूम भरा हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली हर किसी की चाहत होती है कि उनके घर में थोड़ा अच्छा अच्छा सामान हो, लग्जरी वगैरह हो, बट सम कैन अफोर्ड सम कैन नॉट। एनी वेज स्टिल हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कहना चाहिए, सो अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग फॉर एवरीथिंग आई हैव, ठीक है। अब मैं चलती हूँ इस कबर्ड की तरफ जिसमें मेरा सामान होता है, मैं आपको पहले इसको दिखाती हूँ। यहाँ ऊपर में मैंने गर्मियों के कपड़े रखती हूँ, इसमें मैं रखती हूँ सर्दियों के कपड़े, तो ये दो सेक्शन मेरे हैं। और इसमें अब घर में दिखाऊँ, ये मेरा एक पर्स पड़ा हुआ है जो कि मेरा टोट बैग है, जब भी मैं बाहर जाती हूँ फॉर माय वर्क या फिर शॉपिंग वगैरह तो मैं इसी को ही लेके जाती हूँ। करंटली एक ही है और यही फेवरेट भी है। और जो शॉपर है इसमें मैं कुछ नए कपड़े रखती हूँ जो प्रेस्ड और अच्छी तरीके से पड़े होते हैं, बाकी तो आप देख ही रहे हो मेरे कपड़े कैसे पड़े हुए हैं। नीचे मेरी सिस्टर के कपड़े हैं जो बिल्कुल डाउन में था, और वो कुछ बेहतर कंडीशन में। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे सारे कुरान शरीफ वगैरह, होली बुक्स, हम पड़ोस के बच्चे, ये बहुत इनका आवाज़ आपको सुनाई देने वाला है। ओके, सो यहाँ पे जो है ये मेरी सिस्टर का सेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे वो अपने बुक्स वगैरह और बाकी चीज़ें रखती है। ये जो हमारा है ये नए बर्तन वगैरह हम इसमें रखते हैं, इस थर्ड सेक्शन में। और जो बिल्कुल नीचे लास्ट में ड्रॉअर है वहाँ पे हम, वहाँ पे भी कुछ बर्तन और कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह पड़े हुए हैं। इस तरह से मिल मिला के हम लोग स्पेस को जो है ना यूज़ कर लेते हैं। एंड आई एम श्योर हर मिडिल क्लास फैमिली में इसी तरह के कबर्स होते हैं, इसी तरह से सारे भाई बहनों के सामान जो है ना पड़े रहते हैं। तो प्लीज़ डू टेल मी, आपके घर में, आपके कमरे में, वेयर एवर, अगर इस तरह के कबर्स हैं तो आप लोग अपना सामान किस तरह से रखते हैं, आई रियली वॉन्ट टू नो। एंड या अब आते हैं बिल्कुल रूम के सेंटर में, ऊपर से बिल्कुल छत से दिखाती हूँ, ठीक है, ऐसे नीचे आएंगे ऐसे इस तरह से, तो आपको सामने ये नज़ारा नज़र आएगा, ठीक है। साइड में जो है ना जो चीज़ें कमरे के बाहर हैं उसे इग्नोर कर दें। और मैंने व्लॉग बनाने से पहले अपने रूम में कोई छेड़खानी नहीं की सिवाय इस चीज़ के कि ये ड्रॉअर यहाँ पड़ा रहता था, जो कि मेरा बहुत टाइम से प्लान था कि इसे हटाकर यहाँ से मैं टीवी के सामने जो है ना रख दूँ। लेकिन उसके अलावा मेरा रूम बिल्कुल सेम है, कोई चीज़ इधर से उधर मैंने नहीं की है। यह जो टीवी नज़र आ रहा है ये भाई ख़राब है, ये स्विच भी ख़राब हो चुके हैं, लेकिन शुक्र है इनका जो है ना ये बोर्ड हमारे पास एक और है, लेकिन जब सारे ख़राब हो जाएंगे तब हम चेंज करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये टीवी भी ख़राब हो चुका है, पिछले मॉनसून में ये बेचारा ख़राब हो गया। और यहाँ ड्रॉअर के ऊपर पड़ी रहती है मेरी ये बास्केट, इस ये जो रजिस्टर है मेरा, स्टडी रजिस्टर है, मैं नोट्स वगैरह बनाती हूँ। ये है मेरा पावर बैंक और डेटा केबल्स, मेरा क्लच। क्लच बैग है पर इसे मैं वॉलेट की तरह भी यूज़ कर लेती हूँ। और एक ब्रश पड़ा हुआ है, पेंसिल है, और मेरा एक पुराना सा फ़ोन है
और ये मेरा स्टैंड है जो आप देख सकते हो, ये भी टूटा हुआ है और ये बहुत पुराना जो है ना स्टैंड है, नया मैंने मंगवा लिया है एंड उस पर वीडियोज़ भी मैंने बना दी हैं। तो यहाँ ये भी यहाँ से वैसे मैं इसे यूज़ कर लेती थी ना, जैसा तैसा ये था मैं यूज़ करती थी, लेकिन किसी ने इसकी अब ये डैग वाली साइड से इसका सपोर्ट तोड़ दिया है तो अभी नकारा हो चुका है मेरे लिए। अच्छा, इस ड्रॉअर को धीरे धीरे खोल के दिखाती हूँ। इसमें मैंने इतना सामान भर दिया है ना कि अब इसको खोलना भी मुश्किल हो रहा है, तो इसको मैं डीक्लटर करने वाली हूँ और फिर मैं इसे क्लीन करूँगी, सारी पुरानी चीज़ें हटा दूँगी एंड मैं श्योर करूँगी कि इस पर एक वीडियो भी बना दूँ। आई डोंट नो, लोग देखेंगे भी या नहीं, बट ओके लेट्स सी। ये क्लच बहुत पुराना हो गया है बाहर से, अंदर से बिल्कुल नया है, मैंने कभी इतना यूज़ भी नहीं किया, लेकिन इसका ऊपरी मटेरियल कुछ ऐसा था ना कि ये बस जल्दी से इस पर मिट्टी चढ़ जाती है और निकलती नहीं और ये ऐसे ख़राब हो गया। और ये आप देख सकते हैं क्रीम जो मैंने रिसेंटली मंगवाई थी, यूज़ कर रही हूँ, रिजल्ट में मुझे अच्छा दे रही है, ठीक है, इस पर रिव्यू बना दूँगी। बाकी ये कुछ चीज़ें हैं स्किन केयर का सामान, ज़्यादातर मैं जो है टॉप के ड्रॉअर में रखती हूँ क्योंकि वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ना, बार बार ओपन करना पड़ता है, तो इसीलिए मैं इसे ऊपर रखती हूँ। एंड यहाँ नीचे आ जाते हैं सेकंड वाले ड्रॉअर में, यहाँ पे भी मेरे कुछ क्लचेस पड़े हैं, शॉपर्स पड़ी हैं, मेरे पास बहुत सारी अननेसेसरी शॉपर्स पड़ी हैं, ऊपर वाले में भी हैं, ठीक है, तो वो सारा मुझे सफाई वगैरह करना है, अब लाजमी करना है। ये ऑयल है मेरा सरसों का जो मैं यूज़ करती हूँ, और ये मेरा हेड टोनर जो कि मैं भूल जाती हूँ यूज़ करना। और यहाँ पे ये क्लच, ये मेरे बैग का ही है जो अभी आपने देखा था, और सारा सामान मैं इसी में रखती हूँ एज अ टीचर, इसमें पेन वगैरह होती हैं, स्टेशनरी का सामान होता है। और ये है मेरा फेवरेट क्लच, इसे मैं वॉलेट की तरह यूज़ करती हूँ, सारा सामान मैं ज़्यादातर इसी में ही जो है ना रखती हूँ। और ये थर्ड ड्रॉअर है ये वाला जो ये बात कर रही हूँ मैं, इस वाले ट्राइपॉड की, ये मैंने मंगवाया था व्लॉगर के लिए ना, सेल्फी वाले ट्राइपॉड बहुत अच्छे हैं व्लॉगिंग के लिए, क्योंकि मैंने सारे किस्म के यूज़ किए। एक मेरा एक और है जो रिंग लाइट का बड़ा वाला जो होता है ना, वो ऊपर पड़ा हुआ होता है, वो भी अच्छा है, लेकिन वो हर जगह बार बार घुमा नहीं सकते हो, तो ये सेल्फी ट्राइपॉड काफ़ी काम आते हैं उसके लिए। ये थर्ड ड्रॉअर में मेरे कुछ शूज़ वगैरह पड़े होते हैं, ये मैं हमेशा साफ़ करके रखती हूँ, फिर अचानक से कहीं जाना होता है तो मैं पहन लेती हूँ। और इस ड्रॉअर में मैं रखती हूँ ज़्यादातर वो चीज़ें, वो कार्ड्स वगैरह जो मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने दिए होते हैं, मैंने बहुत सारे स्कूल्स में एज ए टीचिंग जॉब की हुई है, तो हमेशा टीचर्स डे पे कुछ ना कुछ कार्ड्स वगैरह मिलते रहते हैं। ये मेरी एक स्टूडेंट ने आर्ट वर्क बनाया था, थोड़ा सा मेरे साइड से फट चुका है, एंड देन आई विल ट्राई, मैं इसे संभाल के रखती हूँ बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रेट करके, ताकि मैं कोई फ्रेम वगैरह लूँ और इससे फ्रेम करवा लूँ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कबर्ड दिखा लिया इस तरफ का राइट साइड का, और बिल्कुल ये सेंटर का साइड मैंने आपको दिखा दिया। अब हम चलते हैं बिल्कुल लेफ्ट साइड चलते हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड का मैं आपको दिखा देती हूँ, यहीं से मैं थोड़ा दूर से दिखाऊंगी। ड्रेसिंग टेबल कुछ भी भाई लड़कियों वाला सामान नहीं नज़र आएगा, मतलब नज़र आ जाएगा, लेकिन ऐसा सामान जो जनरली सारी फैमिलीज के सारे मेम्बर्स यूज़ कर सकते हैं, और जो है मेकअप वगैरह आपको नहीं दिखेगा, और बहुत ही पुरानी पुरानी। तो इस साइड पे आप देख सकते हैं ये जो चीज़ है ना, ये है पाउडर बॉडी फिलोसफी का, बहुत ही अच्छी इसकी स्मेल है, लाइक जॉनसन्स बेबी पाउडर और लैवेंडर की स्मेल को अगर मिक्स कर दो तो ये बन जाएगा बॉडी फिलोसफी। बहुत ही महंगा हो चुका है आजकल, हमने तो सालों पहले लिया था, अब तक चल रहा है, लेकिन शायद मुझे नहीं लगता हम इसे दोबारा ले पाएंगे क्योंकि इट्स वे टू मच एक्सपेंसिव दीज डेज। अच्छा ठीक है, तो ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर की बास्केट, इसमें मैं रखती हूँ अपने क्रोशेट का सामान वगैरह, एम्ब्रॉयडरी का सामान वगैरह, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग फिलहाल बनाया नहीं है कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ, लेकिन शर्ट का थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ। शर्ट, ठीक है, शर्ट पे मैंने एम्ब्रॉयडरी जो है ना कुछ इस तरह से शीशे का काम किया है, मिरर वर्क किया हुआ है, सफाई ना टू बी वेरी ऑनेस्ट इतनी नहीं आई है क्योंकि मैंने धागा ऐसा यूज़ किया जो बहुत पतला था और उसे 6 times डबल कर दिया। नोट्स वगैरह देख सकते हैं, मतलब बुक्स हैं, नोट्स वगैरह ये सब चीज़ें पड़ी हैं, ठीक है, दैट्स इट। और फिर ये बिल्कुल आपको नॉर्थ का साइड पूरा दिखा रही हूँ, यहाँ पर चारपाई है, और ये साइड में जो है बिस्तर बिछा देती हूँ मैं जब सोना होता है। एक बहुत ही प्यारी सी विंडो है जहाँ से बहुत ही खूबसूरत हवा चलती है। तरफ जो है ये वॉशरूम है, वॉशरूम में कुछ भी ढंग का नहीं है, बस थोड़ा सा दिखा दूँगी, दैट्स इट।
करूँगी, मेरे वॉशरूम में लाइटनिंग अच्छी करूँ और जो है ना थोड़ा सा मैं इस पे काम करूँ, सजावट वगैरह का कुछ अच्छा से अच्छी अच्छी चीज़ें लगवा दूँ, तो फिर मैं आपको एक टूर दूँगी वॉशरूम का। साउंड सो बैड बट लेट्स सी क्या होता है। तो ये था मेरा रूम टूर, दिस इज़ वेयर आई लिव। होप कि वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को। वेरी मिडिल क्लास टाइप ऑफ, नथिंग फैंसी, नथिंग लग्जरी, यू नो, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल कैन रिलेट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़